राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो 22 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर वन हुआ था उसके क्वेश्चंस, उसके टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करवाए थे, और आज मैं 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बेशक से इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इतनी अच्छी तरह समझा दूँगी इसको कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। तो देखिए, इसमें कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टडी है, ऐसी कौन सी फील्ड है स्टडी की जो स्टूडेंट्स में एक्सपेरिमेंट और एनालाइज की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज, या एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग और एनालाइज यानी कि विश्लेषण करने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो आपको पता है कि जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग की बात आ जाए, प्रयोग, तो हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं? प्रयोग हम करते हैं साइंस में, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पर पता चल जाता है जो हमारा इसका ट्रू आंसर होगा वो होगा हमारा साइंस, क्योंकि हम हिस्ट्री में भी कोई प्रयोग नहीं करते, ना लैंग्वेजेस में और ना ही हम इकोनॉमिक्स में एनालाइज करने की। इससे बेस्ट फील्ड, साइंस से बेस्ट फील्ड कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है सेकेंड, यानी कि साइंस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका, अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज। एक वेरिएबल जिसमें हम चेंजेस करते हैं, मैनिपुलेटेड का मतलब क्या है? चेंजेस करना। मैनिपुलेटेड मींस जिसमें हम चेंजेस करते हैं, तो वो कौन सा वेरिएबल होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारे सबसे पहले दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक तो वो जिसमें हम चेंजेस करते हैं, और एक वो जिसके अंदर चेंज, हमने चेंज कुछ नहीं किया लेकिन एक चेंज करने से जिसके अंदर चेंज आया। ठीक है, इसमें चेंज करने से हम जिसके अंदर चेंज आ रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिपेंडेंट, क्योंकि हमने इसके अंदर चेंज किया तब इसके अंदर चेंज आया। ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर हमने चेंज किया था। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो जिसके अंदर हम चेंज करते हैं वो कौन सा वेरिएबल होता है? तो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन। फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या, जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? एक समस्या का निर्धारण करना होता है कि हमारी समस्या क्या है। तो हम यार समस्या का जब हम निर्धारण करते हैं तो वो हम किस, उसके लिए हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस। तो रिसर्चर की चॉइस के पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है? ठीक है, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है। व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो रिसर्च के क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्चुअल मॉडल, तो इसमें मॉडल भी डिपेंड करता है। व्हाट नेगेटिव फैक्टर्स टू रिसर्च अपॉन, तो नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर मैटर नहीं करते। ठीक है, रीजंस फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी ये भी मैटर नहीं करती। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, बिल्कुल ठीक, हम जब अपनी समस्या का निर्धारण करते हैं तो उसमें हम हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर होगा ए बी सी एंड एफ। ओके, तो देखिए ए बी सी एंड एफ, ए बी सी एंड एफ, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सपोज एज अ टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्पीकिंग डिबेट, विच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप एमंग द स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप एक टीचर हैं। ठीक है, आप एक टीचर हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर रहे हैं, किस लिए? कि पब्लिक में आप किस तरीके से बोल सकते हो, आपको क्या क्या करना है पब्लिक में बोलने के लिए। ठीक है, आप उस चीज़ को, आप उस चीज़ की स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हो। ठीक है, तो विच एमंग दिस फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप एमंग द स्टूडेंट्स, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना सबसे मुश्किल है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन इन्होंने क्या दिए हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, यूजिंग सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और कंट्रोल ओवर इमोशंस। तो देखिए,
सबसे पहले देखिए ये वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो होता क्या है. तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो होती है चेंज ऑफ टोन एंड पिच ऑफ योर वॉइस. जब हम बोल रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को अगर हम बोल रहे हैं तो हम अपनी टोन को किस तरीके से चेंज करना चाहिए और पिच को किस तरीके से चेंज करें वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन कहलाता है. ठीक है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन को ही स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट है अगर वो कभी भी पब्लिक में बोलने जाता है, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में बहुत ही नर्वस हो जाता है. उसकी जो टोन है वो नर्व टोन होती है एकदम, है ना. तो वो कब एकदम कॉन्फिडेंट होकर कब बोल पाएगा, वो जब उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना. क्योंकि सिर्फ टीचर के ट्रेनिंग देने से ही उसकी टोन जो है वो नहीं सुधरेगी, उसकी पिच नहीं सुधरेगी, बल्कि जब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाकर उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी होती है. तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि स्टूडेंट्स में वॉइस मॉड्यूलेशन को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है. बाकी हम कंसेप्ट भी डेवलप कर सकते हैं और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का भी सिलेक्शन हम उनको करना बता सकते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज सबसे अच्छी है आप उसका चूज़ करो. कि अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को चूज़ करो. तो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को चूज़ करना भी बताया जा सकता है, कंट्रोल ओवर इमोशंस भी, ये सब कुछ बताया जा सकता है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन को डेवलप करना इट्स वेरी टफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फिफ्थ. Among the following, which one is not an instructional material? तो इनमें से कौन सा instructional material नहीं है? Instructional मतलब अनुदेश, ठीक है, जो instructions दे हमें, वो ऐसा कौन सा material इनमें से नहीं है. तो first है overhead projector, second printed style guide, स्टडी गाइड, थर्ड ऑडियो पोस्टकार्ड और यूट्यूब वीडियो. तो देखिए जो हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर है ये क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है ये हमारा डिस्प्ले इमेजेस के लिए काम आता है, यानी कि इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, ये सिर्फ इमेजेस को डिस्प्ले करने के ही काम आता है. तो जो इमेजेस होती है वो हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती, ठीक है. बाकी प्रिंटेड अगर गाइड है वो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, ऑडियो पॉडकास्ट भी, यूट्यूब वीडियो भी, ठीक है, ये सभी क्या हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो जाएंगे. लेकिन क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो सिर्फ डिस्प्ले इमेजेस के काम आता है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च. तो ये क्या कह रहे हैं, जो इंटरनल वैलिडिटी यानी कि आंतरिक वैधता को बताए, आंतरिक वैधता किसमें, रिसर्च में, वो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है. तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री, किसी भी रिसर्च की हिस्ट्री उसकी आंतरिक वैधता के अंदर होती है, ठीक है. उसके बाद देखिए रैंडमाइजेशन, मेच्योरिटी, बिल्कुल वो रिसर्च कितनी मेच्योर है ये भी उसके इंटरनल वैलिडिटी में आती है, ठीक है. इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मोर्टैलिटी, ठीक है. तो ये सभी किसमें आती है हमारी, ये सभी हमारी इंटरनल वैलिडिटी में आती हैं, ठीक है. तो हमारा हो गया ए सी डी एंड ई, तो हमारा आंसर जो हो गया वो ए सी डी एंड इन ई, दिस इज वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवेंथ इसका, द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन आर. रिसर्च डिज़ाइन के कंपोनेंट्स यानी कि रिसर्च डिज़ाइन यानी शोध अभिकल्प के हमें घटक बताने हैं यहाँ पर, ठीक है. शोध अभिकल्प जो है, मैंने आपको अभी रिसेंट ही वीडियो अपलोड किया है कि शोध अभिकल्प क्या होता है, ठीक है. तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो देखिए रिसर्च डिज़ाइन यानी शोध अभिकल्प वो होता है जो हम रिसर्च से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ठीक है. यानी कि मकान बनाने से पहले जो हम उसका नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरीके से हमारा रिसर्च डिज़ाइन भी होता है. तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं कंपेरिजन यानी कि तुलना करना, बिल्कुल ठीक, हम तुलना करके देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल, यस कंट्रोल भी बहुत, नियंत्रण जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, इसका घटक होता है. थर्ड है हमारा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी यहाँ पर मैटर नहीं करता. फोर्थ होता है मैनिपुलेशन यानी कि चेंजेस, तो ये भी बहुत मैटर करता है, ट्रू. फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ है नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये नहीं. नेक्स्ट है जनरलाइजेशन यानी कि सिद्धांत, तो सिद्धांत जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो सिद्धांत जरूर वहाँ पर होते हैं, तो इसलिए ये भी मैटर करता है. तो इसका आंसर होगा ए बी डी एंड एफ, तो आंसर नंबर वन, ठीक है. उसके बाद देखिए एट्थ क्वेश्चन,
The four major operations in scientific research यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान की यहाँ पर बात हो रही है, उसके four major operations जो हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए demonstration of covariance यानी कि सहविचरण, तो ठीक है यहाँ पर covariance जो है बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, तो ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्फ एजुकेशन यहाँ पर मैटर नहीं करता। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस, तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस भी नहीं, थ्योराइजेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो गया वो ए बी सी एंड एफ आंसर हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। तो यहाँ पर इफ़ेक्टिव टीचिंग का हमें कैसे पता चल सकता है कि जो हमारी क्वालिटी है टीचिंग की वो कितनी बेस्ट है, किस तरीके से यहाँ पर पता चल सकता है। हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है उस तरीके से। थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस, थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम, थ्रू द यूज़ ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो इसका आंसर होगा वन, यानी कि स्टूडेंट्स कितनी अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितना उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ओके। लास्ट में है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है हम जब अपने किसी भी कोर्स को करने जा रहे हैं, जैसे बीए बीकॉम एमकॉम कोई से भी होते हैं कोई, तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है हमारे क्रेडिट सिस्टम होता है कि इस सब्जेक्ट का इतने क्रेडिट है, 4 credits हैं या 5 credits हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम बीकॉम करने गए हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास 6 or 7 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सभी के हैं 4 credits हैं, ईच सब्जेक्ट हैज़ 4 credits, ठीक है, सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके 4 credits हैं, तो हमें क्या कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि इसमें से आप कोई भी 20 credits सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि कोई भी ऐसे 5 subjects सिलेक्ट कर लीजिए इन 6-7 में से जिनके 20 credits होते हों। तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से इन 7 में से कोई भी 5 subjects चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल है, क्योंकि स्टूडेंट अपने हिसाब से अपने कोर्स को सिलेक्ट कर रहा है ना। तो देखिए इसलिए यहाँ पर जो इसके ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से करेक्ट होंगे, हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, नहीं, शिफ्ट एंड फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। तो देखिए ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट अपने लिए खुद सिलेक्ट करता है अपना मटेरियल, ठीक है। तो इनमें से बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।